नमस्कार, मैं निहल, स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। एक तरफ जहां कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर होने वाले चुनाव भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म करने में पीछे नहीं है। वहीं बात करें दिग्विजय सिंह की, तो इन दिनों दिग्विजय सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और वहीं अब उन्होंने नामांकन फॉर्म भी ले लिया है और जल्द ही वो उसे जमा भी कराने वाले हैं, जिसे लेकर आज अब दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं और जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी की ओर से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता के मिश्रा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं दुर्गेश केसवानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज होने लगी है। अब ऐसे में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया है, जिसे अब जल्द ही जमा भी कराने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, नितांत ही कांग्रेस का आंतरिक विषय है, पर जो कांग्रेस में अध्यक्ष के पद का जो चुनाव है वो फुटबॉल मैदान में जो एक फुटबॉल की बॉल पड़ी रहती है उसकी तरह हो चुका है। अशोक गहलोत वो बॉल मिस कर चुके हैं, कमलनाथ जी ने वो बॉल किसी और को पास कर दी है, दिग्विजय सिंह जी उस बॉल पर नजर गड़ाए हुए हैं और राहुल गांधी की गोल कीपर की भूमिका में उसको लपकने के लिए भी वो कल राय देने का काम कर रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये बीरबल की खिचड़ी की तरह वो हो गया इनके अध्यक्ष का चुनाव। इनके कई नेता जिनकी तरफ वो लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि इनको अध्यक्ष बनाए, चाहे माकन जी की बात कर रहे हैं और अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं। अब जाके दिग्विजय सिंह जी ने फॉर्म लिया है, पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को देश कभी स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो जाकिर नायक को शांति का दूत बताते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो हैं जो आतंकियों को जी कहते हैं। और मुझे तो लगता है कि भोपाल की जनता ने पूरे देश की जनभावनाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को 3.5 लाख वोटों से ज्यादा चुनाव हराया था। दिग्विजय सिंह जी सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अभी डबल डिजिट्स में दिख रही है सांसद में, अगर दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी का कांग्रेस किसी भी नेतृत्व में आएगी, इस बार वो डबल डिजिट में भी नहीं आएगी देश में। वही सर, बात करें तो अगर दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है या फिर कांग्रेस किसी और रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, देश पहली बार ऐसा देख रहा है नियल जी कि अध्यक्ष पद वो देना चाहते हैं और कोई लेना नहीं चाहता है। तो आप देखेंगे कि कमलनाथ जी ने इनकार कर दिया, गहलोत जी ने भी, माकन जी ने, अनेकों नेता इनके थे जो ये बातें कर रहे थे, पर कोई भी लेने को तैयार नहीं है। इसका यही मतलब है कि कोई भी आदमी एक पपेट के रूप में काम नहीं करना चाहता है। देश ने, पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने राहुल गांधी ने किस तरह से एक बिल को और कागजों को फाड़ के उनके उनके समक्ष फेंक दिया था। तो वो एक पपेट और रबर स्टाम्प के रूप में चाहते हैं। कोई भी बने वो होगा दरबार ही, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं के मिश्रा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। ऐसे में अब राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया है और अब वे जल्द ही इसे जमा भी कराएंगे। क्या लगता है आपको कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिएगा, यदि दिग्विजय सिंह जी इलेक्शन लड़ते हैं जी और कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए तो गौरव की बात होगी। जी सर, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर उपजे संकट पर बीजेपी तंज कसती भी नजर आ रही है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की बात कथित तौर पर करती है, उसका चेहरा इसलिए उलझन में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होगा, सारे मतदाता उसमें वोट करेंगे। जबकि नड्डा जी का चुनाव कैसे हुआ था, एवरीबडी नोज, उन्हें एक्सटेंशन कैसे मिला है, एवरीबडी नोज। तो जो लोग लोकतंत्र के प्यारे हैं, अब उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देगी। और कांग्रेस का यह चुनाव जो लोकतांत्रिक ढंग से होगा, अधिनायकवादी भाजपा पर एक राजनीतिक प्रहार के रूप में काउंट होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।
तो देखा आपने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इससे जानने के लिए सभी को जिज्ञासा है। अब साथ ही साथ बीजेपी की ओर से मिल रही प्रतिक्रियाओं का क्या कुछ असर कांग्रेस पर पड़ता है देखने लायक होगा। साथ ही साथ ये भी देखने लायक होगा कि जब तक ये तय नहीं होता कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तब तक और क्या नया रंग और नया मोड इस सियासत में देखने को मिलता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।